हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2018 के दो बेस्ट लॉक ऐप्स के बारे में, जो कि काफ़ी यूनिक है और अमेजिंग है। दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से आप अपने मोबाइल को अनलॉक शेक के द्वारा या फिर सिग्नेचर के द्वारा ही ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये दोनों ही ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा लॉक ऐप सबसे ज़्यादा पसंद आया है। दोस्तों, ये दोनों ही ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ लाइक, कॉमेंट, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ऐप है वो है नाइट प्राइवेसी। तो दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, आपको एक डेमो पहले दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप कोई ऐप को छूएगा तो ऐसा स्क्रीन आएगा, फिर टच करेगा तो ऐसे टूटेगा और उसके बाद आपका ऐप ओपन होगा शेक के द्वारा, बिना उसके कोई ओपन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप ऐप को ओपन कर लीजिएगा और एक पैटर्न यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों, आप ऐप लॉक्स में जाइएगा। वहाँ आपको जो भी ऐप आपको लॉक करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप परमिशन ऑन कर दीजिएगा। वहाँ जाने के बाद आप प्राइवेसी नाइट पे क्लिक कीजिएगा और अलाउ कर दीजिएगा ट्रैकिंग को। फिर वापस बैक आ जाइए आप। दोस्तों, अब आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए पहले ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है लॉक सेटिंग, वहाँ आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएगा, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों, इसके बाद फिर से उसी सेटिंग्स में जाने के ऐप में जाने के बाद अनलॉक मेथड का प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको तीसरे वाले ऑप्शंस पे जाके क्लिक करना है और इसे एक्टिव कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेक करना पड़ेगा आपको, जिससे ये ऐप एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी ऐप को या लॉक किया हुआ है आपने, तो जब भी कोई उसको टच करेगा तो वो ओपन नहीं होगा। जैसे शेक करेगा तभी ओपन आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये ऐप पसंद आया होगा आपको। दूसरा जो ऐप है वो है माई डिवाइस लॉक ऐप। दोस्तों, इस ऐप की खासियत ये है कि आप इसमें आप अपने ऐप्स को जो भी लॉक करेंगे मोबाइल को, वो आप सिग्नेचर के द्वारा ही ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। फिर आप एक पिन से पिन सेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐप आपको लॉक करना है। तो आप पूरा लॉक करना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन से उस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म कर लेना है सेकंड वाले ऑप्शन पर करके। दोस्तों, इसके बाद आप सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको लॉक टाइप देखिए ऊपर मिल रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल ही जाएंगे पासवर्ड का। तो यहाँ पर सिर्फ मैं सिग्नेचर वाला दिखा रहा हूँ, तो सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर आपको सिग्नेचर सेट करना है, तो 10 बार आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी सिग्नेचर इधर उधर हो जाता है, तो आपका ओपन हो जाएगा। तो 10 बार आप यहाँ पर सिग्नेचर सेटिंग कर लीजिएगा तो आपका ये एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों,
देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर सिग्नेचर मांग रहा है, तो जैसे ही हम सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर तो ये ऐप ओपन हो जाएगा। तो बिना सिग्नेचर का कोई भी आपका ये ऐप ओपन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपको दोनों ही लॉक ऐप्स में फ़ोटो वॉल्ट, वीडियो वॉल्ट और फाइल वॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपने किसी भी फ़ोटो, वीडियो या कोई भी फाइल को आप अगर हाइड करके प्राइवेसी में रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों इसके अलावा एक और फीचर्स के बारे में मैं यहाँ पर बता दूँ, ये दूसरे ऐप में वो है। दोस्तों आप सेटिंग में जाके थीम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेटिंग में जाके थीम्स सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपको कई काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स भी मिल जाएंगे लॉक पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये दोनों ही ऐप लॉक पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर भी दबा दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।